नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीता में बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों के दिन है, कभी कभी घर में कोई ना कोई मेहमान आया गया लगा रहता है, तो अगर हम पहले से ही तैयारी करके रख लें या कुछ इस तरह के नमकीन और मीठे बनाकर रख लें, सबको खाने में बहुत पसंद भी आएंगे, बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे ऊपर से, और बिल्कुल नया फ्लेवर है। आज हमने बनाए हैं शक्करपारे, जिसमें हमने नारियल का फ्लेवर दिया है, और नमक पारे, जिसमें हमने बहुत सारे मसाले डाले हैं, जिसे बहुत ज़्यादा चटपटे हैं और चाय के साथ के लिए एक परफेक्ट स्नैक आइटम है। आप इसे बनाकर रख सकते हैं और एक महीने तक एयरटाइट कंटेनर में रख के कभी भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर 2 कप के लगभग मैदा छान कर लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 कप के लगभग नारियल पाउडर डाल देंगे और 1/8 टीस्पून यानी के लगभग 2 से 3 चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 कप मैंने पीसी हुई चीनी डाली है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच के लगभग कुटी हुई सौंफ डाल दूंगी। नारियल पाउडर और सौंफ, इससे बहुत ही अच्छे शक्करपारे बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर फिलहाल ये बिल्कुल सही मीठा है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/3 के लगभग देसी घी जो है 1/3 कप लेंगे, यानी 4 से 5 बड़े चम्मच आप मान के चलो, और उसे अच्छी तरह से थोड़ा गर्म लेंगे, इसके अंदर मिला देंगे। अगर इसकी मुट्ठी सही तरह बन रही है, इसका मतलब मोयन बहुत अच्छा बना है। अब हम थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर का दूध डालते हुए इसका एक बहुत सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो को सख्त रखना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी देर हमें इसे रेस्ट कराना है और इसके अंदर जो चीनी है उसकी वजह से ये अपने आप ही हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो शुरू में हमें बिल्कुल टाइट डो लेना है। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, लेकिन जब आप इसे टेस्ट करेंगे या परिवार को टेस्ट कराएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मेहनत वसूल हो गई। इस तरह से मैंने इसे स्लिंग रैप में लपेट के अच्छी तरह से रख दिया है। आप चाहें तो किसी हल्के से गीले कपड़े से ढक भी सकते हैं। अब 2 कप के लगभग मैदा मैंने फिर से बाउल के अंदर छान लिए। मैं इतनी देर सोच रही हूँ कि जो नमक पा रहे हैं उनका भी डो हम बनाकर तैयार कर दें। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर यानी सौंठ डाला है। बिल्कुल 2 चुटकी हमने इसके अंदर खाने वाला बेकिंग पाउडर डालना है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर अजवाइन और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी के पीस डाले हैं। इससे इसका बिल्कुल नए फ्लेवर के ये नमक पारे उनका हमारे बनकर तैयार होंगे। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, आपके घर में भी, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आए हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला देंगे और इसके अंदर 1/3 कप के लगभग हम इसमें हल्का सा गुनगुना रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे। इसमें हमें देसी घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इसकी भी मुट्ठी बनने लगे, इसका मतलब मोयन बहुत अच्छा लग गया है। अब हम हल्का गुनगुना पानी लेते हुए इसको बिल्कुल एक सखट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका भी हमें सखट डो लगाना है ताकि बाद में हमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल ना करना पड़े। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मोयन इतना परफेक्ट लगाए, जब हम इसके बिल्कुल पतले पतले नमक पारे बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना पड़ा और ये बड़े आराम से बेल कर तैयार हो गया। इस तरह से एक सखत सा डो बनाकर अच्छी तरह से हम इसे गून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, और इसे भी मैंने स्लिंग रैप में लपेट कर अच्छी तरह से रख दिया है। इस तरह से हमें गूंदना है और इसे इस तरह से क्लिंग रैप में लपेट कर रख देना है। इस तरह अब हमारे दोनों डो तैयार हैं। 1 घंटे तक आप कुछ भी काम कर सकते हैं, हमें इन्हें 1/2 से लेकर 1 घंटे तक रेस्ट कराना है। अगर आपके पास उस समय टाइम ना हो तो थोड़ा ज़्यादा भी रेस्ट करा सकते हैं, यानी इसकी कोई वो नहीं है कि आपको कितनी देर रेस्ट करना है। बस हाँ, डो लगाकर तैयार कर दीजिए और जब आपके पास घर का काम निपटाने के बाद टाइम हो तब हम बहुत अच्छे शक्करपारे और नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। पहले हम मीठे वाले शक्करपारे बनाएंगे। हमें इन्हें चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट मीठा डाला है। जितना डो मैंने बनाया था उसके मैंने 4 बराबर हिस्से करे और इसकी एक सेंटीमीटर जितनी मोटी रोटी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। किनारों से ये फटेगी पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम इसे चाकू से काट कर अलग कर देंगे। आप चाहें तो ये शक्करपारे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे स्क्वायर शेप में सबसे सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये देखने में कुकीज़ जैसे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं।
क्योंकि हमने इसके अंदर नारियल पाउडर और सौंफ का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप कभी भी चाशनी वाले शक्करपारे नहीं बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। इसमें घी भी बहुत कम लगेगा और चीनी भी बहुत कम लगेगी और खाने में तो क्रिस्पी ये बने रहेंगे और एक महीने तक आराम से ये क्रिस्पी बने रहेंगे। बाकी एक महीना ये चलने वाले हैं नहीं। एक जो मैंने डो गूंद के एक पेड़ा तैयार किया था उसमें मेरे 16 शक्करपारे बने हैं। इस तरह से मैंने इसके 4 बराबर हिस्से किए थे, टोटल 64 पीस बनकर तैयार हुए। यानी को टोटल मैदा का इस्तेमाल जो मैंने किया वो केवल आधा किलो, और आधा किलो में हमने जो शक्करपारे और नमक पारे मिलाकर बनाकर तैयार किए हैं वो 1 किलो से भी ज़्यादा है। यानी कॉस्ट भी बहुत कम है और हाइजीनिक भी है, क्योंकि हमने अपने हाथ से घर में सफाई से तैयार किया है। इस तरह से मैं बाकी के शक्करपारे भी काट कर तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे और इनको हमें बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर, एक बार जब तेल गरम हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इन्हें हल्के हल्के हाथ से रिफाइंड के अंदर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इन्हें घी में भी तल सकते हैं, पर घी में तलने से ये थोड़े हैवी हो जाएंगे, इसलिए मैंने रिफाइंड के अंदर तले। इस तरह हम एक एक करके सारे पीस इसमें डालते जाएंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सिकने देंगे। अगर हम गैस का फ्लेम तेज कर देंगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो हमें इन्हें तसल्ली से सेकने देना है। इन्हें बिल्कुल आप डाल के और गैस पर छोड़ दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, और जब बीच बीच में आपको टाइम मिले तब इसको अच्छी तरह से एक बार चला लीजिए। इस तरह जितने भी मैंने ये शक्करपारे बनाए थे इन्हें 2 बैच में मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का समय मुझे एक बैच को तलने में लगाए और बहुत ही सुंदर कलर के, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी शक्करपारे बनकर हमारे तैयार हुए हैं। मीठा भी बिल्कुल कम है। ये देखिए कितने अच्छे कलर के बने, लेकिन हाथ तलने में हमें 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। इतनी देर आप बीच में रसोई में आप अपना कोई भी काम भी कर सकते हैं। और क्रिस्पी कितने हैं ये तो अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर के। अब बाकी के बचे शक्करपारे भी हम इसे तलने के लिए डाल देंगे इसी तरह से। ये देखिए मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ, आप आवाज देखिए, आपको आवाज से खुद ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा टेस्टी बने और देखने में भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, हमें खाने में भी बहुत अच्छे लगे। ये देखिए आवाज़ आ रही है। एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आप मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद ही कमेंट करके मुझे बोलेंगे कि बहुत अच्छे शक्करपारे बनकर तैयार हुए। इसी तरह जो दूसरा डो था वो भी उतनी देर पूरी रेस्ट कर चुका है। अब हम इसके मैंने 3 बराबर के पीस किए हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत पतला बेलना है, साइज में बहुत बड़ा। और इसमें भी हमारे एक पीस के अंदर 16 जो है नमक पारे बनकर तैयार होंगे, लेकिन इनको बनाने का हमने बिल्कुल एक नया तरीका ढूंढा है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हम गूंदेंगे, उसके बाद इसके 3 बराबर के पार्ट्स कर लेंगे और इस तरह ऊपर से सारा कवर करते हुए इसे नीचे की तरफ लाके पैक कर देंगे। अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, किचन काउंटर को आप पहले बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि अगर उस पर हल्की सी मिट्टी हुई तो ये किरकिरे हो जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल पतली, जो हम फुल्का बनाते हैं उससे भी पतला, आप जितना पतला ये आराम से बिले, बस फटे ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसके इस तरह से बिल्कुल बराबर के पार्ट्स करेंगे। जो हम नॉर्मल शक्करपारे नमक पारे बनाते हैं ये उससे भी ज़्यादा आराम से कटकर तैयार हो जाएंगे। अब जो बिल्कुल सेंटर में नोक है उस पर हम हल्का सा पानी का हाथ लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए, और बस इसे इसी तरह से फोल्ड करती जाइए और ये हमारा बहुत अच्छा नमक पारा बनकर तैयार। इस तरह आप सारे जो है पीस तैयार कर सकते हैं। बस जो इसका नोक वाला हिस्सा है उस पर हमें हल्का सा पानी का हाथ लगाना है
ताकि ये उससे अच्छी तरह चिपक जाए और रिफाइंड में जाकर ये फैले ना। अब गैस के ऊपर हम रिफाइंड ऑयल गर्म करने रखेंगे और धीरे धीरे करके बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसके लिए तो हमें गैस का फ्लेम हाई करना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये ऑयल में पड़े पड़े अपने आप जब गोल्डन हो जाएंगे, बस हमें इन्हें निकालना है, बीच में दो तीन बार हमें इसे चलाना है। एक बैच को तलने में 12 से 13 मिनट का समय लग जाएगा बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। लेकिन अगर आप हल्की फ्लेम पे नहीं तलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लेयर्स बनी हुई हैं, तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से सिक जाएंगी। इसके लिए आप इसे ऑयल में पड़ा रहने दीजिए। ये देखिए, इसकी पहचान ये है कि अपने आप ही नीचे जाके बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन बनकर सिककर तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको निकाल के पास से दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर कलर आया है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से हम एक बहुत अच्छा मीठा और नमकीन जो है, बच्चों अब आजकल 4-5 दिन बच्चों की छुट्टियाँ भी होंगी तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं और आने वाले मेहमानों को भी। ये देखिए, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर जब हम इन्हें रखेंगे ना, उस समय भी इनका कलर थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि गर्म होने के कारण मैदा जो होती है, मैदा की कोई भी चीज़ आप फ्राई करेंगे तो वो गैस से उतारने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक उसका कलर डार्क होता रहता है सेल्फ कुकिंग के कारण। ये देखिए कितना अच्छा अंदर तक सिका हुआ नमक पारे बनकर तैयार है। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।